थैंक यू। पतलू, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो यार। अरे तुम्हें भूख कब नहीं लगती, तुम्हारा पेट नहीं गोदाम है, जितना डालो उतना कम है। अरे वाह, मोटू मुर्गी पकड़ने का कोई आइडिया बता। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। सोचना क्या है, डायरेक्ट हमला करो। क्या मोटू, तुम एक मुर्गी भी नहीं पकड़ सकते, अब देखो मेरा कमाल। मोटू रोको, रोको उसे। क्या इसने बोला जानू हेल्प? सुना तो ऐसा ही, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जानू तो बड़ा खतरनाक है। पतलू पतलू भागो। अरे कहाँ हो? अरे मोटू मैं भाग चुका हूँ, तुम नहीं भागोगे तो वो तुम्हारा तंदूरी बना देगा। बूढ़ी बाबा, ये क्या, तुम दोनों चोर सिपाही खेलता है? अरे एक मुर्गी पकड़ने गए तो उसके मुर्गे ने दौड़ा दौड़ा के मारा। बूढ़ी बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं सुना। अरे मुर्गी पकड़ने का चीज नहीं, पालने का चीज होता है। तू मुर्गी पाल के करोड़पति बन सकता है। वो कैसे, बताओ बताओ, मुझे करोड़पति बनना बहुत अच्छा लगता है। देखो तुम 5 मुर्गी पाल लो, वो अंडे देगी, उसमें से बच्चे निकलेंगे, 5 का 10 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, और देखते देखते हजारों मुर्गियां हो जाएंगी। जय हो, ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्यों बदलू? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन घसीटा राम के आइडिया से हमेशा डर लगता है। ओहो, तुम तो बेकार में ही डरते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो घसीटा राम मुर्गियां खरीदने। कौन है? दरवाजा तोड़ने में लगा है, आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे दरवाजा खोलो, हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे। अरे खोलो वरना दरवाजा तोड़ देंगे। अरे किससे डर के दरवाजा बंद कर दिया, अभी देखता हूँ। अरे बताना तो था ना कि बाहर कौन है। आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, बाहर निकलो। तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। कौन नोच लूंगी, सर फोड़ दूंगा। मोटू हमारे बदन का हर पार्ट बुक हो गया है, जल्दी से कुछ करो वरना हमारे बदन में कुछ नहीं बचेगा। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ करो। आइडिया। अरे अंदर क्या बैठे हो, अरे बाहर निकलो। तुम कौन हो? I am Maori, dear housemate. मैं इनका खाना पकाती हूँ। उन्होंने मेरी सैलरी भी नहीं दी है, वो पीछे की खिड़की से भागने वाले हैं। हमारे पैसे नहीं देते, घर में नौकरानी रखी है, चलो पीछे जल्दी चलो। प्लीज उन्हें पकड़ के मेरी भी सैलरी दिलवा दो, जल्दी जाओ बाबा पीछे, नहीं तो वो भाग जाएंगे। बूढ़ी बाबा, ये सुंदर लड़की कौन है? ये सुंदर लड़की मैं हूँ, घसीटा राम हमें बचा लो, हम बहुत मुसीबत में हैं, पैसे मांगने वाले हमें ढूंढ रहे हैं। इतनी भूख लगी है लेकिन समोसे भी नहीं खा सकते, हम क्या करें? अरे बाबा तुम चिंता मत करो, पैसा मांगने वालों से निपटने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। देखो तुम दोनों कोई और भेष बना के घूमो, फिर तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन हम किसका भेष रखे और कैसे रखे?
हाँ, हम लड़की बनके तो हमेशा नहीं घूम सकते। भेस बदलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हम अखबार में तो फोटो देखा था। हम अभी तुम्हारा भेस बदल देता है। उड़ी बाबा, सीताराम तुम तो कमाल के आदमी हो, अब तो हमें कोई नहीं पहचान सकता। थैंक यू घसीटाराम, लेकिन हमारा नाम क्या होगा? मोटू का नाम है आमिर चंद और तुम्हारा नाम है फकीर चंद। अब चलो सीधा चाय वाले की दुकान में, देखता है वो तुमको पहचान पाता है कि नहीं। हल चलाना कितना आसान है। हाँ हाँ, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि खेती करना बहुत मुश्किल काम है। कोई है? ये खेती तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई बचाओ। मोटू जल्दी कुछ करो, कमर टूट रही है। क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, वो उन तसलों में कूद जाओ तो चोट नहीं लगेगी। अब आया खेती करने का मजा। ये है जिंदगी, याहू। अरे हम जिंदा हैं या यमराज का भैंसा हमें लेने आया है? अरे हम जिंदा हैं क्योंकि यमराज का भैंसा आज तक किसी ने जिंदा रूप में तो देखा ही नहीं। क्या यमराज होते हैं? हमारे शास्त्रों में लिखा है तो होते ही होंगे, लेकिन किसी ने उन्हें देखा तो नहीं। आज पतलू नाम के इंसान को लाना है, उसकी जीवन रेखा खत्म हो गई है। वो देखो चित्रगुप्त, पतलू नीचे खेतों में है। ये क्या कर दिया तुमने? जल्दी चलो चित्रगुप्त, वो लैपटॉप वापस लाना होगा। आखिर उसमें पूरी दुनिया की लोगों की जीवन रेखा का हिसाब किताब है। अरे तेरी की, ये कहां से आ गया? अरे ये तो लैपटॉप है, लेकिन गिरा कहाँ से? लगता है उस जहाज से गिरा होगा। अरे ये बादल क्यों नीचे आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे वो तो कोई इंसान है, चलो उनसे पूछते हैं कि क्या हम भी उनके बादल पे उड़ सकते हैं। अरे वो इंसान नहीं यमराज है, साक्षात यमराज। कहीं ये लैपटॉप उनका तो नहीं? अरे चित्रगुप्त जल्दी से वो लैपटॉप ढूंढो, उसमें पतलू की जीवन रेखा की एंट्री है। अगर वो डिलीट हो गई तो हम उसे नहीं ले जा पाएंगे। चित्रगुप्त ढूंढो। यमराज मुझे लेने आए हैं, मुझे लेने आए हैं। कुश्ती लड़नी होगी वरना। रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे नहीं लड़ना। छोड़ो छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे कुश्ती नहीं लड़नी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं जीत गया। एक राउंड और आ जाओ। The winner is Motu the Great. डॉक्टर झटका मुझे बचाओ, मोटू तो मुझे खत्म ही कर देगा। ये अपनी कुश्ती का शौक मेरे साथ ही पूरा क्यों करता है? मोटू तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, ये देखो। ये FWWE क्या है? इसका मतलब है फुरफुरी नगर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। इस खुशी में देश विदेश से पहलवान आएंगे। सोचो तुम उन्हें जब पटक पटक के मारोगे तो पूरे फूलपुरी नगर के हीरो बन जाओगे। और तुम्हें 1,00,000 का इनाम भी मिलेगा, उसमें तुम जितने चाहो समोसे खा लेना। 1,00,000 के समोसे? मैं लड़ूंगा।
चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। चिंगम सर, आप किसी अपराधी को पकड़ने नहीं आए, आप कुश्ती के रेफरी हो। ओ सॉरी सॉरी। तो सबसे पहले सामने आ रहे हैं पुरपुरी नगर के समोसा ईटर। समोसा 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 मोसा मोसा समोसा मोसा मोसा समोसा समोसा मोसा मोसा समोसा मोसा मोसा समोसा समोसा। साइलेंस, हम आपके सामने आ रहे हैं थंडर टेकर। अरे बाप रे, इससे लड़ना है? नहीं नहीं, मैं इससे नहीं लड़ूंगा। क्यों फुरफुरी नगर की नाक कटाने पे तुले हो? तुम उसे हरा दोगे और 1,00,000 के समोसे भी खाओगे। कुछ सोचो मत, बस उठा के पटक दो। अरे जिंदगी बचाऊंगा तभी तो समोसे खाऊंगा। फाइट स्टार्ट। जय बजरंग।